सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज उल्लासनगर भाजपा द्वारा तिकड़ी सरकार के खिलाफ निषेध किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे रोक पाने में ठाकरे सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज उल्लासनगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करीबन 200 जगहों पर आज इस सरकार के खिलाफ निषेध किया। की तरफ से आज पूरे उल्लासनगर इकाई को कार्यक्रम आया था कि महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन करना है। उल्लासनगर के आमदार कुमार लालानी जी और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष कुमार जमनू पुरसानी जी की अध्यक्षता में पूरे शहर भर में करीब 200 लोगों ने 200 जगहों पर हजारों लोगों ने 200 जगहों के ऊपर ये आंदोलन किया है। 5 लोगों ने और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल का मेंटेन करके एक ही है जो आम 27 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों की दबी जुबान में जो दर्द है उनका कोरोना को लेकर कि ये सरकार ने ये तिकड़ी सरकार ने पूरी तरह से जो फेल गई है। कोरोना के आज 41,000 मामले महाराष्ट्र में है, 1,00,000 पूरे देश में, 41,000 सिर्फ महाराष्ट्र में, यानी 40% से ज्यादा महाराष्ट्र में, तो उसके लिए ये बेजवाबदार नालायक तिकड़ी सरकार जवाबदार है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को निर्णय लेने के लिए एक फोन शरद पवार जी को करना पड़ता है। शरद पवार जी कहते हैं मुझे अजीत दादा से पूछना पड़ेगा, अजीत दादा कहते हैं मुझे तुपड़िया खुले से पूछना पड़ेगा, दूसरा फोन उनको हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं हमको सोनिया जी से पूछना पड़ेगा, सोनिया जी कहती है मुझे राहुल जी से पूछना पड़ेगा, राहुल जी कहते हैं मुझे प्रियंका वाड्रा से पूछना पड़ेगा। तो ये इसी तरह से तिकड़ी सरकार जो चल रही है जिसका खामियाजा आज महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो उत्तर भारतीय लाखों के तादाद में जो महाराष्ट्र छोड़ के गए, तो उसके पीछे कारण ये है उनको असुरक्षा थी यहाँ पर, उनको खाने के लाले पर रहे थे, उनको यहाँ पर मकान जो खोलिया थी भाड़े पे उनको परेशान किया जा रहा था, आसपास के लोगों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था, तभी उन्हें मजबूर होकर पैदल हजारों किलोमीटर जाकर लाखों लोग यहाँ से पैदल गए, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार जवाबदार है। आज राशन जो भी आया है 3 महीने का, वो केंद्र सरकार द्वारा आया है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ भी नहीं आया है। आज जो कोरोना के 41,000 मामले बढ़ गए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 पंखों वाली सरकार जवाबदार है और मुख्यमंत्री जवाबदार है। उनको उठाने के लिए, उनको नींद से उठाने के लिए ये आज शांतिप्रिय आंदोलन किया गया था और चेतावनी दी गई अगर महाराष्ट्र सरकार ने आगे ऐसे कदम नहीं उठाए जिसमें आम महाराष्ट्रवासी या कोरोना से संक्रमित 41,000 से ज्यादा लोग जो हर रोज बढ़ रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी आगे इसका उग्र रूप ले सकती है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन आज 22 तारीख को किया गया। 19 तारीख को हमने कलेक्टर माननीय आयुक्त और SDO को पत्र दिया था जिसमें हमने मांगे रखी थी कि महाराष्ट्र शासन जो है वह कोरोना महामारी में पूर्ण रूप से विफल गया है। और आज 22 तारीख को चार कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी के साथ में सभी पूरे महाराष्ट्र में सभी स्थानों पर अपने अपने कार्यालयों के बाहर, अपने घरों के बाहर आंगन में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में महाराष्ट्र शासन के विरोध की तख्तियां लेकर के काली रिबन बांध करके काला मास्क लगा करके विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे विरोध का मुख्य कारण जो था कि आप देखेंगे कि जैसे ही पूरे भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के अंदर गरीब जनता जिन्हें राशन खाने के लिए नहीं था, बाहर के पर प्रांतीय लोग जो थे, जो डेली कमाने वाले डेली खाने वाले थे, उन्हें घर में राशन की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर चावल की व्यवस्था की गई। कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने गरीबों को अनाज पहुंचाने का कार्य किया। महाराष्ट्र शासन से हमारे फडणवीस जी की मांगनी थी कि जिन लोगों को राशन है कार्ड उनको राशन दिया जाए, जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी आधार कार्ड के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परप्रांतीय या जो लोग यहाँ पर रह रहे थे गरीब उनको राशन कार्ड नहीं था, उन्हें भी महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी अनाज देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र शासन ने कई बार घोषणाएं करके कोई भी कार्य पूरा नहीं किया और जिसकी वजह से परप्रांतीय यहाँ से पलायन करने लगे। केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र शासन को गाड़ियाँ
देने के लिए भी व्यवस्था की गई कि अगर आप चाहेंगे तो हम आपको व्यवस्था देंगे, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने कोई भी गाड़ी मांगी नहीं। महाराष्ट्र में जो 4 लाख से 4.5 लाख लोग जो अटके हुए थे, जिन्हें महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में जाना था, महाराष्ट्र शासन ने घोषणा की कि हम 10,000 एसटी बस फ्री में चलाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपस में जो तिकड़ी सरकार बैठी तो उन्होंने वह अपनी घोषणा वापस ले ली और एक भी एसटी बस शुरू नहीं हुई। लोग अपने घरों में जाने के लिए परमिशन मांग रहे थे, गरीब लोगों को परमिशन नहीं देख रहे थे, कोई परमिशन नहीं मिल रही थी। एक तरफ करोड़ों के घोटाले वाले वाधवान दंपति को महाबलेश्वर का घूमने का परमिशन देकर के महाराष्ट्र शासन ने गरीबों के गाल पर एक तमाचा मारा है। ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री अपने घर में बैठ करके मंत्रियों को बुलाते हैं, जबकि उन्हें सरकार की तरफ से एक आवास दिया गया है वर्षा, वहां पर वो 60 दिन में एक बार भी नहीं जाते हैं और उनके मंत्री तो कहीं काम करते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। देश की तरफ से जितने भी पैकेज आए गए महाराष्ट्र में, उन्होंने एक भी पैकेज की घोषणा नहीं की। आपका ऐसा आरोप है कि यह निकम्मी सरकार है? ये एकदम निकम्मी सरकार है, ये मेरा कहना नहीं है। आप किसानों से पूछिए, किसानों के अकाउंट में 10,000 जाने चाहिए थे। किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। आप सब्जी मंडी में जाइए, उन्होंने फसल काटने का मौका नहीं मिला, अंगूर की खेती खत्म हो गई। यहाँ पर किसानों को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। एक भी पैकेज किसानों के लिए उन्होंने घोषणा नहीं की। 1666 पुलिसकर्मी आज कोरोना ग्रस्त हो गए हैं। जो पुलिसकर्मी दिन रात लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं, उनके ऊपर कितने हल्ले हुए। कई स्थानों पर महाराष्ट्र में उनके ऊपर हल्ले होने के बाद शासन ने कुछ भी नहीं किया। 10 से 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो चुकी है, कोई भी घोषणा उनके लिए सरकार ने अभी तक नहीं की है। संतों पर हंगामे हो रहे हैं, संतों पर हत्याएं हो रही हैं और महाराष्ट्र शासन चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की तरफ से इस निकम्मी सरकार का निषेध करता हूं और तुरंत मांगनी करता हूं कि रास्ते में जाते हुए प्रवासियों को तुरंत गाड़ियों की व्यवस्था दी जाए। महाराष्ट्र में आने के लिए जो लोग घरों में अटके उनके लिए फ्री में बस सेवा शुरू की जाए। किसानों को 10,000 से ज्यादा हर एक किसान को राहत पैकेज दिया जाए और किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। देश की तरफ से जो पैकेज आए हैं उसकी पैकेज की घोषणा तुरंत महाराष्ट्र शासन ने करनी चाहिए और राशन के दुकानों पर बिगर राशन कार्ड वालों को भी राशन के साथ चावल, आटा, दाल, घी, तेल, शक्कर की व्यवस्था करनी चाहिए। यह निकम्मी सरकार है, इस निकम्मी सरकार का हम धिक्कार है, धिक्कार करके बहिष्कार करते हैं।